अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि गोल्डन और बैंगल्स को सीड मिक्स क्या देना चाहिए और इनको एग फूड में हम क्या क्या मिक्स करके दे सकते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। मुझे फीडबैक बहुत से लोगों के आते रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यार हम बच्चे तो ले लेते हैं लेकिन बच्चों की तादाद बच्ची ज़्यादा नहीं है। तो उसमें अगर देखा जाए तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या क्या फीड दी जाती है, तो देखा जाए तो मैं कुछ सॉफ्ट फूड में मिस्टेक कर रहे होते हैं, कुछ सीड में मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो वो जो मिस्टेक हमने की है और हमने गलतियों से सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे न्यू फैंसियर जो हैं, जो आने वाले जो लोग नए हजरात हैं, तो वो गलतियाँ ना करें जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान ना हो पाए। तो एक्चुअली मसला ये है कि सीड हर शेड की अपनी अपनी होती है। तो कोई बिल्कुल सिंपल सीड देते हैं और कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी करते हैं सीड के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरा एक उस्ताद जो था वो बहुत ही काबिल आदमी था, हारून भट्ट, मैं उसका नाम लेना पसंद करूँगा उसकी, क्योंकि उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। तो वो यहाँ पे आजकल नहीं है, पाकिस्तान से बाहर चला गया। उसी ने मुझे ये सारी टेक्निक्स और ये सारी मतलब हर चीज़ बताई उसने। सीड मिक्स जो है ना वो बिल्कुल सिंपल मैं रखता हूँ। गोल्डन और बैंगल्स को सिर्फ एक ही टाइप की सीड जाती है, उसमें ये नहीं होता कि गोल्डन की अलग सीड है और बैंगल्स की अलग सीड है, एक ही टाइप जाती है दोनों को। लेकिन हाँ, सॉफ्ट फूड में थोड़ी सी मैं चेंजिंग करता हूँ, क्योंकि जो गोल्डन के लिए सॉफ्ट फूड बनता है वो और तरह का होता है, और जो बैंगल्स ने बच्चे पालने होते हैं उनका जो सॉफ्ट फूड बनता है वो और तरह का होता है। अच्छा, सबसे पहले सीड पर बात कर लेते हैं। कुछ लोग सीड के अंदर तीनों कंपनियों के अंदर कनेरी भी मिक्स करते हैं और कनेरी ज़्यादा तादाद में मिक्स कर देते हैं, जबकि मेरी जो सीड मिक्स है वो तीनों कंगनियाँ इक्वल तादाद में होंगी। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, लाल कंगनी, गोल कंगनी और देसी कंगनी। लाल कंगनी, गोल कंगनी और देसी कंगनी इक्वल तादाद में मिक्स कर लेता हूँ और यही सीड मेरी चलती है, 12 महीने यही सीड चलती है। इसके अलावा मैं सीड में कुछ नहीं डालता। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ सब्जियों में, बहुत ज़्यादा सब्जियों में कनेरी सीड जो है ना वो थोड़ा सा डाल देता हूँ। और कनेरी सीड किस रेशो से डालता हूँ, क्योंकि कनेरी सीड जो है वो ज़्यादा देने से ये होता है कि फैट, वो उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, फैटी होती है, तो वो गोल्डन को चर्बी आने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं कनेरी सीड थोड़ी सी मकदार में डालनी पड़ती है, वो सिर्फ इसलिए कि सर्दी से इनको बचाने के लिए, क्योंकि गर्म होती है तो सर्दी से बचाने के लिए हम कनेरी सीड थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। अगर मेरी 5 किलो सीड है, मतलब कि मिसाल के तौर पर 5 किलो लाल कंगनी, 5 किलो देसी कंगनी और 5 किलो गोल कंगनी, 15 किलो बन गई, 15 किलो सीड के अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 किलो जो है ना वो कनेरी सीड डालूंगा, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा, क्योंकि लोग इक्वल तादाद में डाल देते हैं। बल्कि आप कम कर लें, इससे भी कम कर लें, अगर 15 किलो है तो वो उसको 2.5 किलो डाल दें या 3 किलो, मैक्सिमम 3 किलो डालें, इससे ज़्यादा होगी तो बेसिकली वो कुछ फिंचेस वो खाना पसंद भी नहीं करती, वो पड़ी रहती है। एंड पे जब आप दाना देखेंगे तो वो उसमें कनेरी सीड पड़ा होगा, बाकी सारा वो खा चुकी होगी। तो ये सीड मिक्स है, मेरा सीड मिक्स किस तरह बनता है ये शक्ल अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी। अच्छा, ये तो हो गया सीड मिक्स, अब आते हैं हम सॉफ्ट फूड पे। अच्छा, सीड मिक्स के मतलब एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आप कोई मतलब कि पट्ठे, ख़ास तौर पर पट्ठे जब लेकर आते हैं किसी शेड से, तो पट्ठे तो अव्वल तो मैं देता नहीं हूँ, इसलिए कि पट्ठों में प्रॉब्लम ये होता है कि पट्ठे बहुत जल्दी स्ट्रेस में जाते हैं और वो न्यू फैंसी को संभाल नहीं पाता। तो इसलिए मैं न्यू फैंसी को कहता हूँ कि अब वो अगर संभाल नहीं पाएगा, फिर उसमें मेल ज़्यादा निकल आते हैं, उसका शौक ही ख़त्म हो जाएगा, वो कहेगा यार मैंने इतनी महंगी चीज़ ली और ये आधे मर गए और आधा जो मेरे बचे हैं वो उसमें भी पेयर कन्फर्म नहीं हो रहा, फिर उसको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए न्यू फैंसी का फिर शौक ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ न्यू फैंसी को कि आप रेडी टू ब्रीड लें, थोड़े से 4 पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ज़रूर लगेंगे, लेकिन ये कि आप रेडी टू ब्रीड लें, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात फिर ये होती है कि आप ये देखा करेंगे आप किस शेड से बर्ड लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे सीड क्या चल रही है उसकी, क्योंकि अगर वो सीड कुछ और दे रहा है तो आपके पास सीड चेंज होगी, तो गोल्डन जो है वो मतलब कि नखरे वाला बर्ड है बेसिकली, उसको नखरे वाला बर्ड भी कहते हैं, तो वो खाना पीना छोड़ देती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस शेड से लिया है जो सीड वो फॉलो कर रहा है वही सीड आप भी फॉलो करें, फिर आपकी गोल्डन जो है ना वो समझेगी कि यार मैं उसी इन्वायरमेंट में हूँ, वरना उसका एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो जाता है, माहौल तो चेंज होता ही होता है, लेकिन वो सीड भी जब चेंज होता है तो फिर गोल्डन खाना पीना छोड़ देती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरा, अब सॉफ्ट फूड पे आ जाते हैं। सॉफ्ट फूड मैं 2 तरह के बनाता हूँ, एक गोल्डन के लिए अलग से बनता है और बैंगल्स के लिए मेरा अलग से बनता है। गोल्डन को अलग से क्यों सॉफ्ट फूड दिया जाता है, मैं फिर एक पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि गोल्डन को हमने एग लेने होते हैं, इनको मैं हर चीज़ दूंगा सॉफ्ट फूड में, जब मैं अंडा क्रश करूँगा
अंडे में मैं रस नहीं डालता, रस मैंने डालना शुरू किया था एक दफ़ा तो उसमें मुझे मिस्टेक ही हुई थी कि मेरे जो गोल्डन चिप थे वो एक्सपायरी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने रिसर्च की और देखा, दो तीन लोगों से पूछा भी जो मेरे सीनियर्स रहते थे, उन्होंने कहा कि यार रस में ईस्ट होता है, ब्रेड में भी ईस्ट होता है, तो वो ईस्ट जो है वो पोटे को चोक करता है और जिस वजह से आपकी डेप्थ रेशो ज़्यादा होती है। तो मैंने रस और ब्रेड डालना बंद कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जो जिस तादाद से बच्चे मेरे मर रहे थे उस तादाद में अब माशाल्लाह नहीं है, बल्कि अब बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल डेथ रेशो ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ रखें। अच्छा, अब आते हैं सॉर्ट फूड पे। सॉर्ट फूड में मैं बैंगल्स के लिए क्या क्या चीज़ें डालता हूँ एग को, एग के अंदर एग को अपने सबसे पहले क्रश कर लेना है। एग को जब क्रश करेंगे उसमें सबसे पहले मेरा डलेगा मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर एक दो एग अगर हैं तो मैं दो एग की रोशनी बता देता हूँ। दो एग है तो 5 ग्राम मैं मोरिंगा पाउडर डालता हूँ और 5 ग्राम मेरा होगा कटलफिश बॉन समुद्री झाग, इसका पाउडर होगा, और उसमें 5 ग्राम डी न्यूट्रिको होगा। डी न्यूट्रिको की तस्वीर मैं आपको इस स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा। डी न्यूट्रिकल होगा विटाफॉर्म का, और उसमें 2 ग्राम जो है वो सल्वर डी ब्रिटर होगा, और उसके अलावा मैं इनको कैल्सीविट जो है ऑयल वो इसमें ऐड करता हूँ, वो तकरीबन अंदाजे से ऐड करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 2 ml जो है ना वो ऐड करता हूँ मैं कैल्सीविट। और ब्रीडिंग एड ऑयल भी सर्दियों में ख़ासतौर पर ब्रीडिंग एड ऑयल भी देना पड़ता है, वो भी तकरीबन 2 ml ऐड होता है इसके अंदर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने जब एग क्रश कर लेना है सबसे पहले आपने ये लिक्विड डाल देना है। अगर आप लिक्विड पाउडर के बाद में डालेंगे तो वो गिल्टियाँ सी बन जाएंगी, जिस वजह से आपका जो है महलूल पूरी तरह हल नहीं होगा। आपने एग जब क्रश करना है सबसे पहले आपने लिक्विड डालना है। लिक्विड मैंने दो बताए आपको, एक तो कैल्सीविट लिक्विड बताया और एक आपको ब्रीडिंग एड ऑयल बताया मैंने। ब्रीडिंग एड ऑयल भी आपने 2 अंडों में 2 ml और कैल्सीविट जो है वो 2 अंडों में 2 ml, तो ये डालेंगे, इसको ज़रा एग में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने पाउडर ऐड करना है, जैसे कटलफिश बॉन का पाउडर हुआ, मोरिंगा पाउडर हो गया, डी न्यूट्रिको हो गया, सल्वर डी ब्रिटर हो गया, ये पाउडर आपने बाद में ऐड करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं डालता हूँ, वो है बीएसएफ लार्वा। बीएसएफ लार्वा लिया हुआ मैंने, वो 1 किलो के पैकिंग मिलती है बाजार से, वो आप ले आएँ घर पे, वो आप जैसे एग क्रश करेंगे ना उसी में बीएसएफ लार्वा डालें और उसी में जब घुमाएंगे तो वो बिल्कुल पाउडर शेप में बाहर आ जाएगा, तो वो आपका एग फूड बड़ा प्यारा रेडी हो जाएगा और बड़ा हेल्दी एग फूड होगा। उस एग फूड को आपने 1 माह तक गोल्डियन को आपने रेगुलर देना है 1 माह तक। उसके बाद आप फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन दिया करें, जब ये अंडों पे आ जाएंगी, अंडे देना शुरू कर देंगी, रेगुलर अंडे देना शुरू कर देंगी, तो फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन दिया करें। और फिर अब सॉफ्ट फूड बताते हैं बैंगलिस का। अच्छा, बैंगलिस का अंडे उसी तरह क्रश करूँगा और अंडों पर मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा, सिर्फ 2 चीज़ें, बल्कि 3 चीज़ें ऐड करूँगा। एक कटलफिश बोन का पाउडर, वो भी 1 अंडे में 5 ग्राम के हिसाब से, और उसमें मोरिंगा पाउडर डालूंगा 1 अंडे में 2.5 ग्राम के हिसाब से। और उसमें मैं, अगर आपने बच्चों को हेल्दी करना है तो एक बड़ी अच्छी टिप देता हूँ, वो आप केटी फीड है, वो होती ही बच्चों की फीडिंग के लिए, वो बच्चों को ही फीड कराई जाती है, तो केटी फीड ले लें। केटी फीड आप 1 अंडे में 5 ग्राम के हिसाब से केटी फीड डाल दें। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी सीड मिक्स पे वीडियो, इनको हमने क्या देना है, खुराक क्या देनी है गोल्डन को, और सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड क्या देना है। और एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता मुझसे, कि न्यू फैंसर ख़ासतौर पर ये पूछता है, उसको कुछ तहफ़ात हैं, वो ये कहता है कि यार हम गोल्डन तो लगा लेंगे, उनसे हम ब्रीड भी ले लेंगे और हमारे पास तादाद भी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा तादाद भी आ जाएगी, हम बेचेंगे कहाँ पर। तो ये इसमें भी मैं, अगला टॉपिक मेरा यही होगा कि हम उसको किस तरह बेचेंगे और अपने आप को किस तरह हम मनवाएंगे कि हम ये गोल्डन का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, क्वालिटी मैटर करती है, और मैंने पहली वीडियो में मैंने कहा था ये कलर गेम है, कलर आपके शार्प होंगे, आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो ये हाथों हाथ आपका निकल जाएगा, टिकटम की तरह निकलता है गोल्डन। तो ये रुकने वाली आइटम नहीं है, गोल्डन कभी नहीं रुकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 बच्चा भी हो मेरे पास, और मैं बड़ा करके उनसे ब्रीडर पेयर करके, मतलब कि रेडी टू ब्रीड करके बेचता हूँ, और मेरे पास ये आलम होता है कि सारे का सारा निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और एंड पे फिर लोग कस्टमर मेरे पास इतने ज़्यादा होते हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये मैं आपको बताऊँगा इस टेक्निक को, आपको अगली वीडियो में ही मेरा यही टॉपिक होगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। एक और मुझे अपने व्यूवर्स से शिकायत है कि सब्सक्राइब नहीं आप लोग करते, आप उसको लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते,
मैं जिनको वीडियो भेजता हूँ, मैं साले 1000 से ऊपर है जिनको मैं वीडियो भेजता हूँ और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर ना 200 से ऊपर नहीं हुए। तो लाइक प्लीज़, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।